वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हम वापस आ चुके हैं और आज हम बहुत दिनों बाद मैं अपने मेहमान से खुद भी मिली हूँ और आपकी भी मुलाकात करवाने वाली हूँ, क्योंकि जनाब हम स्किन की बात करते हैं। विंटर में स्किन के जो जो मसाइल होते हैं, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है, सोराइसिस, इसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली होता क्या है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आतिफ काजमी ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आतिफ जी, सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अरसे बाद आपसे हमारी मुलाकात। आप खुद मुल्क पे नहीं थी, आप खुद सैरिंग कर रही हैं यूएसए में और उस मुल्क में होके आई हैं कि जहाँ इतने मजे और क्या है ना, दुनिया। आप तो ट्रैवल करते रहते हैं, आपको अंदाजा है कि किस कदर। जब अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं ना, तो जब एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के उतरते हैं, एकदम डिप्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ की अमेरिका के उनके एयरपोर्ट्स, उनके तो 7-स्टार होटल्स की तरह के एयरपोर्ट्स हैं, और हम यहाँ पर आते हैं और हम आते हैं तो क्या हाल होता है। अच्छा जनाब, आज हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर आतिफ से बात करना चाहते हैं आपको, वो बिल्कुल लाइव कॉल्स के थ्रू कंसल्टेशन भी देंगे। अच्छा डॉक्टर आतिफ, हम जरा स्किन के मसाइल को सर्दियों में डिस्कस करें। ड्राई स्किन फर्दर बहुत सारी चीज़ों को अकेले उसमें वो शेयर देता है और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। ड्राई स्किन क्यों होती है, सर्दियों में क्या मसाइल है, स्किन की इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल ठीक, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आजकल के मौसम के हिसाब से। सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि पानी हम कम पीते हैं, उसके बाद हमारा जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी हम कम लेते हैं, तो स्किन और ड्राई हो जाती है। जब स्किन ड्राई होती है तो स्किन ड्राई के साथ हम लोगों को ख़ारिश शुरू हो जाती है कई दफ़ा। ड्राई स्किन पे वी वुड ऑलवेज स्क्रैच आर स्किन, और जब हम स्क्रैच करते हैं तो होता यह है कि उसके बाद एग्जिमा, सोराइसिस, फंगस, स्केबीज, ये बीमारियां वो हैं कि जो ड्राई स्किन के साथ आती हैं। तो मैं हमेशा मरीजों को यह कहता होता हूँ कि भाई अब सर्दियाँ आ गई, जिस तरह लाहौर में हम लोग लाहौर में हैं तो आपको पता है आजकल बड़ी ठंड, सुबह धुंध होती है, बाहर हम गाड़ी पे निकलते हैं तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता। तो मैं कहता हूँ कोशिश ये करें कि अगर आप पानी नहीं पी सकते तो कम से कम जूसेस लें, फ्रूट्स लें, दूध पिए, ताकि वाटर इंटेक किसी तरह तो बॉडी में जाए, और अपनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर उस पर जरूर लगाएं। मैं उसमें आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, मैं खुद भी मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ। मैं अपने देखने वालों को भी ये कहूंगा कि आजकल मैं यह नाम तो नहीं ले सकता डिफरेंट मॉइस्चराइजर के, लेकिन मार्केट में बहुत मिलते हैं कोई अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर, उसको दिन में 2-3 दफा जरूर बॉडी पे लगाएं, ताकि वो ड्राइनेस जो हो जाती है उसके बाद एक्जिमा, सोराइसिस और फंगल इन्फेक्शन वो ना हो। अच्छा डॉक्टर आतिफ, सोराइसिस बेसिकली ये है क्या, क्योंकि ये हम अक्सर लोगों को देखते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि ये बेसिकली बीमारी है, स्किन की क्या डिजीज है, इसके हवाले से ये होती है अर्मिला, जेनेटिक, जनरली जीन्स में आती है। मैं अक्सर हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि कजन मैरिजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे माशरे में अभी भी ये एक सिस्टम कजन मैरिजेस का चल रहा है कि जी ये मामू की बेटी है, चचा का बेटा है, खाला की बेटी, पुप्फो का बेटा, वो ठीक है, वो कहते हैं जी लड़की भी घर का, लड़का भी घर का, घर की बात घर में, घर की बात घर में रहे, बच्ची पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, देखा हुआ है, शरीफ है, फलाने, ये बातें सारी अपनी जगह है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि जेनेटिकली हम कितना जुल्म कर रहे हैं अपनी जनरेशन। होता ये है कि जब आप कजन मैरिजेस करते हैं तो कजन मैरिजेस में जो बीमारियां, अगर कोई एलर्जीज है, किसी को अस्थमा है, किसी की बिनाई का मसला है, किसी के कद छोटे होते हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, तो कजन मैरिजेस में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। सोराइसिस जो है, सोराइसिस को उर्दू में अपरस कहते हैं, अपरस। सोराइसिस में फिश स्केल्स की तरह के छिलके बन जाते हैं, पंजाबी में कहते हैं मच्छी के चाने की तरह के छिलके, आप स्क्रैच करेंगे तो वो व्हाइट स्केल्स गिरते रहेंगे, आपने देखे होंगे आपके इर्द गिर्द कोई आपके अजीज दोस्त अहबाब जो हैं। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनके काला कोट या आप अगर काली शॉल नहीं तो वो वाइट होनी शुरू हो जाए सारा, तो वो डैंड्रफ नहीं होती, वो सोराइसिस है। लोगों का ख्याल होता है कई दफा कि सर में मुझे डैंड्रफ है तो वो ये समझते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम देख के कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई ये तुम्हें तो सोराइसिस है, वो डॉक्टर साहब वो क्या होती है, मुझे तो ख्याल था डैंड्रफ है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है अवेयरनेस, उसकी रीजन ये है कि मैं मरीजों को ये कहता हूँ कि अगर आपके स्केल बहुत थिक है, यानी आपके छिलके बहुत मोटे मोटे सिर को लगे हुए हैं, और आप जब नाखून से स्क्रैच करते हैं तो मोटे मोटे वो छिलके आपके नेल्स में फंस जाते हैं, और आपकी शॉल ब्लैक या ब्लू कोट या ब्लैक कोट वाइट होना शुरू हो जाए, ज़्यादा स्केल और टांगों पे और जिस्म पे भी वो
छिलके बन के गिरते रहें, मोटे मोटे पैचेस बन जाएं, तो उसको सोरायसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सोरायसिस बहुत समटाइम्स सिवियर भी होता है, मतलब लोगों को इसकी वजह से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, ये क्या कंडीशंस हैं और इसका क्या अवॉइड करने का, क्या इसका रिस्क कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए? बिल्कुल ठीक। पहली बात तो मैं ये कैटेगोरिकली बता दूं कि ये लगने वाली बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है। अब कई दफा वो होता ही है कि मेरे पास बच्ची जिसका रिश्ता होना होता है, ब्लड से बच्ची की मंगनी या निकाह हुआ है, तो उसकी सास आती है कि डॉक्टर साहब मेरी ये जो होने वाली बहू है इसको तो सोरायसिस है, तो कल को तो मेरे बेटे को लग जाएगी, मेरे पोते पोतियों को हो जाएगी। मैं उनको कहता हूँ जेनेटिकली आ सकती है, मौरूसी तौर पे ब्लड में आ सकती है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। आपसे एक से दूसरे को सोरायसिस लगती नहीं है, मियाँ से बीवी को नहीं लगेगी, माँ से बच्चों को नहीं लगेगी, बहनों से भाइयों को नहीं। तो पहली बात तो आज ये क्लियर हो गई कि आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर एक किसी को घर में सोरायसिस है तो आप ये घबरा रहे हैं, हाँ उसको टच ना करना, मुझे उसके, ये ऐसी बात नहीं। दूसरी बात है कि सोरायसिस से अल्लाह ना करे मौत नहीं वाकई होती। सोरायसिस सीवियर फॉर्म की भी है, उसको हम पस्चुलर सोरायसिस कहते हैं, एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस कहते हैं, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन और डेथ हो सकती है, वो बड़ी रेयर है, वो कॉमन नहीं। जो कॉमन सोरायसिस है जिसको हम सोरायसिस वल्गैरिस कहते हैं, वो सोरायसिस जो है वो छिलके पूरे बॉडी पे बन जाते हैं, और वो छिलके बन के वो जब आप स्क्रैच करेंगे नीचे से ब्लीडिंग पॉइंट्स निकलते हैं, हम उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में ऑस्पिट साइन कहते हैं। वो ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट कर रही होती है, तो वो जो आप कहती है ना स्क्रैच करें तो खून निकलता है, तो वो उसका एक पार्ट है बीमारी का जो सोरायसिस की बीमारी है। लेकिन सोरायसिस बहुत फैल जाती है, सर में, चेहरे पे, जिस्म पे, बॉडी पे। क्योर हो सकती है सोरायसिस? इसका मुकम्मल क्योर नहीं है, ये कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, हाँ, ये आपका ये है कि मेरे पास अब सोरायसिस के जितने मरीज, एक हमारे पास इंजेक्शन अब अवेलेबल है, हम उनको बायोलॉजिक एजेंट्स कहते हैं, जो पाकिस्तान में भी आ गए हैं, और वो बायोलॉजिक एजेंट जो हैं वो हमारे पास जब से आई हैं वो हैं बड़े महंगे, यानी एक इंजेक्शन कोई 40-50 हज़ार रुपए का। अच्छा। और वो हर महीने एक लगना है या हर 3 हफ्ते बाद लगना है, तो कोई वो पूरा एक कोर्स है 5-6 लाख रुपए का। उसका फायदा ये होता है कि डिजीज जो होती है वो रिमिशन में चली जाती है। रिमिशन का क्या मतलब होता है? डिजीज बैठ जाती है, डिजीज कंट्रोल हो जाती है, लेकिन साल बाद 6 महीने बाद फिर कुछ दाने छोटे से निकल आए। सो हम ये कर सकते हैं कि सोरायसिस के मरीजों को एक्यूट स्टेज को दवाइयां और टीके दे के कंट्रोल कर लेती है। अगर उनके, अच्छा सोरायसिस में और आपको बात बताऊं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यूं हाथ उनकी उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, इसको कहते हैं सोरायटिक आर्थराइटिस। जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पांव की और हाथ की उंगलियां उल्टी हो जाती हैं, काम नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने टीके आपको बायोलॉजिक्स बताई हैं, ये अब मार्केट में अवेलेबल है, एक दो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं फार्मा की जो इनको ले आई हैं पाकिस्तान में, वो हम दे देते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके साथ जॉइंट मूवमेंट उनकी बेहतर हो जाती है। जो सोरायटिक आर्थराइटिस ये बहुत सिवियर होगा, ये वाली कंडीशन सिवियर, ये हर एक में नहीं होता, 10% लोगों में है। हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अरमला साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा डॉक्टर आतिफ साहब काजमी साहब से क्वेश्चन है कि मेरी सिस्टर होती है इंग्लैंड में, तो वो आजकल पाकिस्तान आई हुई है, उनको कीलॉइड्स की एक स्किन की प्रॉब्लम है। एज कितनी है आपकी सिस्टर की, एज कितनी है? जी जी डॉक्टर साहब, सिस्टर की एज है उनकी 73 ईयर्स जी। 73 जी, 73 जी। तो उनको कीलॉइड्स की वो डायग्नोस करते हैं इंग्लैंड में, लेकिन वो उनके जहाँ भी जख्म होता है, हाथ में होता है, चूड़ी कट जाए कोई होता है, वो स्वेल कर जाती है, फिर उसमें रात को इचिंग होती है वो सारी रात। वो डायबिटिक है, उनको शुगर है जी, डायबिटिक भी है, शुगर भी और है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी है जी, ब्लड प्रेशर भी है जी। ठीक हो गया, हाँ ठीक है जी, मैं जवाब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सुल्तान साहब, जवाब आपको डॉक्टर। अच्छा, मैं अब इनको ये बताना चाहूंगा कि एक तो एज उनकी माशाल्लाह शी 70 प्लस, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों चीजें हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इस उम्र में होते हैं, उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई होती है। और कीलॉइड्स भला क्या होते हैं, मैं ये भी अपने नाज़रीन को बता दूं, कीलॉइड्स होते हैं कि स्किन पे स्किन मोटी हो जाती है। मसलन एक दाना निकला, लेट से यहाँ चेस्ट के ऊपर एक फॉलिकुलाइटिस है, पीप वाला दाना, जब वो हील करेगा तो इतनी मोटी स्किन यूं बन जाएगी माँ, उसको हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड कहते हैं। इसका जो बेस्ट इलाज है, इनकी बहन आई हुई है
मैं ये पूछना भूल गया कि कहाँ से बोल रहे थे, लाहौर में है, गुलबर्ग में, लाहौर में है, तो दे कैन विजिट अस, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाए, मेरे पास आ जाए, हम इंजेक्शन लगाते हैं इसके अंदर, स्टीरॉयड के इंजेक्शन होते हैं, उससे ये कीलोइड बैठ जाती है। इनका मुकम्मल इलाज बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। अगर हम इसको एक्साइज करके रिमूव करेंगे कीलोइड को, तो वहाँ एक नया कीलोइड बन जाता है, क्योंकि ये जो बीबी हैं, ये ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं। हाँ, और शुगर के मरीजों में जब ये डायबिटीज में अल्सर बन जाए या एक्जिमा बन जाए, तो वो बड़ी देर परसिस्ट करता है। लेकिन ये अगर आप आ जाए, मैं इनको देख के, तो इनके टीके भी और साथ हम क्रीम दे देंगे, जिसके साथ खारिश ठीक हो जाएगी। लवली लवली, ठीक हो गया। कि मोहम्मद नईम है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा डॉक्टर से क्वेश्चन है कि मैं अच्छा तकरीबन 8-9 साल से इस मर्ज में मुबतला हूँ, सोराइसिस के। ठीक है जी जी, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके लिए मुझे, मैं जब भी इस पे कोई मेडिसिन वगैरह लगाता हूँ तो ये ठीक हो जाती है, बाद में फिर ये मर्ज नुमाया होना शुरू हो जाता है। आपकी एज कितनी है बेटा? एज है 32। आपकी फैमिली में थी किसी को, वालिद वालदा की साइड पे कहीं बेटा फैमिली में? नहीं डॉक्टर, फैमिली में किसी को नहीं थी, ये जस्ट मुझे ही ये हुआ है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मोहम्मद नईम साहब अभी जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर। नईम साहब को मैं बता देता हूँ, ये जो कहते हैं ना, आ जाती है, चली जाती है, ठीक हो जाती है, मैं ये कहा करता हूँ, ये हाइड एंड सीक खेलती है पेशेंट के साथ। सर्दियों में सोराइसिस बढ़ जाएगी, ये बात एक याद रखिए, क्योंकि जब ठंड ज्यादा होगी तो सोराइसिस एकदम। 5.5 मिलियन ऑफ अमेरिकन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। 5.5% पीपल जो है, उनकी परसेंटेज जो है वो इस सोराइसिस में है, उनकी पॉपुलेशन की 5.5% ऑफ पॉपुलेशन। आप सोचेंगे कितनी पॉपुलेशन है यूके में, इंग्लैंड में, जितने ठंडे ममालिक हैं, अगर कोई सबसे ज्यादा बीमारी है तो सोराइसिस है। लेकिन जो नईम साहब ने कहा कि ये आ जाती है, चली जाती है, मैंने आपको पहले ही कहा था, जड़ से नहीं है, जड़ से नहीं जाती, इसका भी वो बस क्योर वक्ती तौर पे किया जा सकता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताता चलूं, जो सोराइसिस है इसकी तहकीक में, रिसर्च में ये पता चला है कि जो बड़ा गोश्त है बीफ, वो नहीं हमें खाना चाहिए। बीफ का हमें परहेज करना है। मुझसे लोग के पूछते हैं आके कि डॉक्टर साहब आप कोई परहेज बता दें, अंडा ये वो, तो मैं कहता हूँ सब कुछ खाएं, बीफ को हम कम। अच्छा, कॉल्स हमें ज्यादा आ रही है, एक और कॉलर, टाइम कम है, हम जल्दी से ले लेते हैं। सना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है सना आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। सना, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा, मुझे पहले भी मैंने कॉल किया था, इनसे मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। रामीन, मेरी बेटी को मतलब थोड़ी सी बर्स की शिकायत है लिप्स के पास। बर्स है, बर्स की बात? हाँ, फुलबेरी। ठीक है, जी 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 जी, मतलब वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है, एक्जिमा एक ट्यूब है, वो लगा रही है इसको ना। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, इसकी एहतियात बताएं कि खाने पीने में मैं बता वो क्या एहतियात, आप मुझे बताएं इसकी एज कितनी है बच्ची की? 12 साल है। 12 साल, ठीक है, ठीक है, जल्दी से आपको जवाब देते हैं, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खाने पीने में वाइटमिन सी फुलबेरी और बर्स के मरीजों को नहीं लेनी चाहिए। वाइटमिन सी जिसमें सिट्रस है, खट्टे माल्टे, अंगूर, अचार, लीमू, टोमेटो सॉस, केचप, ये बर्स और फुलबेरी के मरीजों में नहीं लेनी। एक हमारे यहाँ मिथ बनी हुई है कि दूध और मछली के साथ हो जाती है, ये तो बड़ी आपने जानी जल्दी पुष्टि मिथ है आपके, और ये आपके यहाँ प्रोग्राम में भी इतने डॉक्टर्स आते हैं, वो लोग पूछते होंगे। अगर मछली और दूध से होता तो वो ममालिक जहाँ कोस्टल सिटीज हैं, वो बंगाली भाई सारे गोरे चिट्टे होते हैं, जहाँ जहाँ वो काले ना होते हैं, जो दूध और मछली जहाँ खाई जाती है समुद्री, तो इसलिए दूध और मछली का कोई इसमें चक्कर नहीं है। सिर्फ ये है कि खटास का परहेज रखें, बाकी जो मर्जी ये खाएं, दूध पिए, ये करें, इनकी बच्ची को कोई मसली, और जो ये ट्यूब लगा रही है वो लगाएं। और अब मैं एक बात बताता चलूं, फुलबेरी ये विटलाइगो का इलाज आ गया है, और वो हमारे पास मरीज तशरीफ ले आए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी फुलबेरी ठीक हो जाए। लवली, थैंक यू वेरी मच, आप जाते हैं, बहुत शुक्रिया कि आप आए थे अच्छी टिप्स देने के लिए। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो टॉपिक हमने रखा, वो आपके काम आएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।